मैं चंद्रकांत शिवाजी शिरसागर, डिस्ट्रिक्ट जालना, गांव का नाम कड़वंची, यहाँ रहने वाला हूँ। मैं सरपंच हूँ, मैं यहाँ का कास्तकार हूँ। ये गांव में ऐसे जो फार्म पॉन्ड तुम देख रहे ऐसे 650 है, ये गांव में 650 है। यानी हम कम से कम ये तालाब का इस्तेमाल 2006 से कर रहे हैं। यानी ये तालाब के माध्यम से, वो वाटर शेड के माध्यम से ये गांव में अंगूर की फसल है 600 हेक्टर है। 600 हेक्टर बोले तो 1500 एकड़ आता हूँ, इतने अंगूर की फसल है। पहले वाटर शेड के पहले ये गांव का 74 लाख रुपए का उत्पादन था। अभी ये वाटर शेड का काम हो चुका, उसको अभी 22 साल हो चुका है। 22 साल में 2019 में हमारे केवीके ने हमारे गांव का सर्वे करेवा था, तो हमारा गांव का सर्वे हो गए 72 करोड़ रुपए का सर्वे हो गए। तो इतना बदलाव 22 साल में इतना बदलाव आ गए, एक 74 लाख रुपए कहाँ, यानी 22 साल में 72 करोड़ का रुपये इतना इनकम हो गई ये गांव की अंगूर की फसल की वजह से। अभी दूसरे भी हम सोयाबीन लेते, कोई गेहूँ चना लेते, सब ये वाटर शेड से माध्यम से बन चुका है। सब जो बदलाव दिख रहे तुमको, ये सब वाटर शेड का बदलाव है। अब तुम्हारे आंखों से देखे कि जो तुम नाला बह के देखे, वो जैसे जो नाला है उसके ऊपर 19 बांध है, वो चेक डैम उसको ऐसे 19 है। आणि गाँव का जो शिवार है वो 1810 हेक्टर का है। गाँव की लोकसंख्या 3000, गाँव में 430 ट्रैक्टर है, छोटे ट्रैक्टर। आणि जो आप फैमिली बोलते तो 450 फैमिली है। ये गांव के जो 90-95% लोग खेत में रहते, खेत में रहते बोले तो घर खेत में है उनका। तुम बोले भी हम भी खेत में रहते, हम गांव में नहीं रहते, हम सब खेत में रहते, खेत में से हम खेती करते, गांव से खेती नहीं बनती, खेती से खेती बनती, गांव से खेती नहीं बनेगी। जब तुम ये बदलाव लाएंगा तब तुम्हारी प्रगति हो सकती है। पिक पद्धति में बदल होना चाहिए। तुम वाटर शेड करेंगे, गन्ना लगाएंगे, क्यों मौसम्बी लगाएंगे, क्यों संतरा लगाएंगे, वो नहीं जमेगा। और तुम्हारा पानी का इस्तेमाल क्या है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, तुम्हारी तरफ पानी कैसा है, क्या है, कम का, बहुत कम है क्या, अच्छा पानी है क्या, कैनल है क्या डैम है, आप अपना वो हमारा इलाका, ये जो पहाड़ दिख रहे ना, हमारा पानलोट यहाँ से आई लिवर, हमारे को किसका पानी नहीं आता, हमारे गांव का हमको पानी इस्तेमाल करना पड़ता। ये वाटर शेड का मकसद यही है। तुमको वाटर शेड करने का तो जो मौका मिल गए, ये सब लोगों ने तुमको यहाँ देखने को लाया, ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारी भी उसमें गलती हो गई, तुम्हारे हाथ से वो गलती उधर न हो जाए, इसके वास्ते तुमको उधर उन्होंने लाया है। इसके वजह से तुम जंगल देखे, ये जंगल का 200 एकड़ का जंगल है, वो एक बूंद भी पानी बाहर से नहीं निकलता, वो सब पानी जंगल में जाता, जंगल से पानी वो जमीन में झिरपता। वो अभी ये नाले को कम से कम और 3 महीने पानी रहेगा, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी तक पानी रहेगा। वो बारिश कितना दिन रहेगी आगे, मार्च अप्रैल में 2-2.5 महीने, वो हमको 1-1.5 महीने की दिक्कत आती थी, इसके वास्ते हम लोगों ने ये बना ऐसे 650 है ये गाँव में। आज की तुम्हारी काम करने की उम्मीद होना, काम करने के मकसद होना, काम करने का तरीका होना, ये सब बदल आ जाता है। अरे साहब, उनके तरफ ये काश्तकार को श्रमदान है क्या? है, ये देते क्या 16% श्रमदान देते? बिल्कुल कर रहे क्या? नहीं नहीं नहीं।